स्पॉन्सर्ड बाय एलके इंटरनेशनल स्कूल अकोना शेरघाटी गया। न्यू मैक्स केयर हॉस्पिटल शेखपुरा बगीचा बेली रोड राजा बाजार पटना। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज। बिहार में कल तय होगा किसकी बनेगी सरकार। बिहार भक्त गणना के लिए तैयार। चुनाव नतीजे से पहले तेजस्वी के बर्थडे पर जोश में दिखे कार्यकर्ता। पटना की सड़कों पर जश्न। इमामगंज के बड़का करासन में नाली नहीं होने के कारण सड़कों पर भरा रहता है पानी। राहगीरों को काफी कठिनाइयों का करना पड़ता है सामना। बिहार में आयकर किसान भी ले रहे हैं किसान सम्मान योजना का लाभ। कृषि विभाग के निर्देशक डीपी त्रिपाठी ने कहा, गलत लाभ ले रहे किसान एक महीने के अंदर वापस करे राशि। नवादा जिले के कौवापुर प्रखंड अंतर्गत रानी बाजार में योगी त्यागीनाथ ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। कहा, आपसी भाईचारे का प्रतीक है खेलकूद। काशी को दिवाली गिफ्ट। पीएम ने की 700 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत। बिग बास्केट से 2 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक। जिम्मेदार कौन, कौन करेगा भरपाई। दिल्ली में कोरोना संकट। 42,000 एक्टिव केस। पॉजिटिव रेट 15% तक पहुंचा। महबूबा मुफ्ती का बयान, युवाओं के पास हथियार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ मुख्यालय में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का किया उद्घाटन। पटाखों पर दिल्ली के बाद मुंबई में एक्शन। सिर्फ दिवाली पर फुलझड़ी अनार जलाने की छूट। नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, भारतीय अमेरिकी नागरिक को देंगे नागरिकता। जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के घुसपैठ को नाकाम करते हुए बिहार के लाल कैप्टन आशुतोष कुमार सहित तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया श्रद्धांजलि। लद्दाख के बाद अब अरुणाचल में चीन की नई चाल। भारत का बढ़ा सकता है टेंशन। फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर एनसीबी की छापेमारी। ड्रग्स केस में एक्शन तेज। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी कोरोना पॉजिटिव। एक दिन पहले तेलंगाना सीएम से हुई थी मुलाकात। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से हरा। दिल्ली पहली बार फाइनल में। मुंबई से होगी किताबी टक्कर। वार्नर बोले, कैच छोड़ने और मौके गंवाने से टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। धन्यवाद। बीच में